नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल किसान विकास केंद्र में। किसान भाइयों, अक्टूबर माह के शुरुआत से लेकर अंत तक हम पालक की खेती कर सकते हैं, तो आज बात करेंगे पालक के बारे में। पालक की खेती जल्दी उपज देने वाली, जल्दी मुनाफा देने वाली वेराइटी है, यानी खेती है, वो जल्दी से जल्दी हमें इससे प्रॉफिट चालू हो जाता है, कम समय की है। आप इसमें अक्टूबर में इसकी बुआई करके और एक दो हार्वेस्टिंग लेके उसके बाद आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं उस पर। तो इसके लिए हमें सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो 5 से 6 kg एक एकड़ में सीड लगता है। इसकी कुछ चयनित वेराइटी हैं, जो वेराइटी हैं आल ग्रीन, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जेबनेर ग्रीन और वंज जाइंट। ये 4-5 वेराइटी हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से चयनित कर सकते हैं, या फिर आजकल तो कंपनी के हिसाब से सीड्स आता है। जो कंपनी है जैसे आरके सीड्स है, नोवल है, नोवल सीड्स, और आपका सुपर सीड्स आता है, निर्मल सीड्स आता है, ऐसी BNR आता है, ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो पालक का बीज मार्केट में लाती हैं, तो आप कोई भी चयनित कर सकते हैं। तो इसके लिए इसकी जब बुआई करेंगे, तो बुआई करते समय जो पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे वो करीब 4 सेंटीमीटर रखें और गहराई 2 सेंटीमीटर रखें। इसकी शुरुआत में करीब जब बुआई के करीब 10 से 15 दिन की हो जाए फसल, तो करीब इसमें 1 बोरी यूरिया का छिड़काव ज़रूर करें। तो उससे क्या होगा, आपके जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है वो करीब आपको 35 से 40 दिन में आपको जल्दी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। इसके बाद आप दूसरी हार्वेस्टिंग, जब फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाए तो उसके बाद आप इसमें फिर यूरिया का छिड़काव कर दें करीब 10-15 किलो, तो उससे आपको दूसरी हार्वेस्टिंग है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ये पालक की खेती कम समय की है और मुनाफा देने वाली है। तो जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।